हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे पोर्टल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप ऑल स्टेट का यानी कि किसी भी स्टेट का बहुत सारा ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हुआ, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हुआ, यानी कि जितने भी सर्विसेज हैं ऑनलाइन से रिलेटेड सभी काम आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो कौन सा ये पोर्टल है, कैसे आपको इसका आईडी और पासवर्ड बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, क्या इसका प्रोसेस है, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस पोर्टल के से ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए कि अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम करना है जैसे कि राशन कार्ड हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां आपको टाइप करना है सर्विस प्लस मेटा डाटा, ठीक है। आपको इतना लिखना है अपने मोबाइल में सर्विस प्लस मेटा डाटा, आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। करते हैं तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पहला जो लिंक देखने था सर्विस प्लस का, आपको इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिएगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और देखते हैं इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है तो आपको यहाँ पे बैक नहीं करना है। अगर आपका नेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आपका हाई स्पीड मिलेगा तो आपको तुरंत यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको देखने में थ्री लाइन आपको क्या थीलैंड पे आपको क्लिक करना है। थीलैंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने का रजिस्टर का ऑप्शन, आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको देखने में इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखने में फुल नेम, आपको अपना फुल नेम को टाइप करना है, अपने ईमेल आईडी को टाइप करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है। इसका आपको नीचे आना है, जो आपका स्टेट है यहाँ पे देखते हैं ऑल स्टेट देगा, तो जो भी आपका स्टेट है आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को टाइप करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको थीलैंड पे क्लिक करना और लॉगिन का एक ऑप्शन देखते हैं, लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लॉगिन आईडी को टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है, कैप्चा कोड को टाइप करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अगर पासवर्ड को आप भूल गए तो पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, आप पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी को टाइप कर लीजिएगा, पासवर्ड को टाइप करिएगा, कैप्चा कोड को टाइप करिएगा, बस आपको यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके पहले आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे यहाँ पर लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने पर देखते हैं यहाँ पे कुछ सेकंड आपको देखने मिलता है, मतलब ये आपको 30 मिनट मिलेगा, एक बार लॉगिन होने का 30 मिनट मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपको क्या करना लगा, यहाँ पर आपको देखने मिलता है थ्री लाइन, आपको क्या करना लगा, यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू सर्विस प्लस, आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने मिलता है अप्लाई फॉर सर्विस, आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू ऑल सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने लगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है या फिर ऑल स्टेट भी दिया हुआ है तो आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आपको देखना सर्च का ऑप्शन। अब मान लीजिए अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या बर्थ, मान लीजिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ आपको देखने जाएगा इशू ऑफ सर्टिफिकेट, इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल, तो आपको यहाँ पे सभी देखने को मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टाइप करना है मैरिज, इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है मैरिज सर्टिफिकेट। तो आप मैरिज सर्टिफिकेट जैसे ही आप टाइप कर लीजिएगा इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे अर्बन रूरल सभी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे राशन कार्ड भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर राशन कार्ड भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जितने भी सर्विस मिलने वाली है सब आप अपने बिल्कुल घर बैठे एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप जो आपको यहाँ पे बनाना है, जो सर्विस का आप लाभ लेना चाहते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ आप अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको बात करने वाले थे, तो यहाँ आपको टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना, चलिए इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट इतना लिखना, लिख के आपको सर्च करना है। यहाँ आपको देखना है इशू ऑफ रूरल या फिर अर्बन जो भी है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म मिलने के बाद इस तरीके से आपको फॉर्म को सही तरीके से लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है आपको लीगल भरना है, इनलीगल कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है लीगल इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप करना है, उनके जेंडर को सिलेक्ट करना है, उनका नाम को टाइप करना है, उनके फादर नेम को टाइप करना है, उनके फादर का आधार नंबर तो टाइप करना है, उनके मदर के नेम को टाइप करना है, मदर के आधार नंबर को टाइप करना है है, तो इसके बाद आपको उनका फुल एड्रेस को टाइप करना है, प्रेजेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट और एंड द टाइप
एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता का जो एड्रेस था वो टाइप करना है, उनके परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट जो पूरा डिटेल दिया हुआ है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, बच्चा कहाँ पे हुआ था, हाउस हॉस्पिटल जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है, एड्रेस को टाइप करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ब्लॉक को सिलेक्ट कर ब्लॉक को टाइप करना है, इन्फॉर्मेशन आपको आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, नेम को टाइप करना है, भर देना है। इस तरीके से आपको पूरे डिटेल को फिल कर लीजिएगा। नीचे आपको देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो भी डिलीवरी हुई उसको आपको सिलेक्ट करना है, बर्थ ऑफ वेट आप बच्चे का बर्थ वेज कितना था, दूसरा प्रेगनेंसी कितने साल में बच्चा पैदा हुआ था, आपको पूरा डिटेल को फिल करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपको अप्लाइड फॉर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो ग्राम पंचायत है जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पूरे डिटेल को सिलेक्ट करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरे डिटेल को सिलेक्ट करिएगा, जो अप्लाई जो आपके ऑफिसर हैं कंसेंट ऑफिसर है उनको आप ऑफिस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड को टाइप करना है और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका जो डिटेल है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है, थ्रिलर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने यहाँ पर पूरा डिटेल देखने को जाएगा, आपका जो रिफरेंट नंबर और रिफरेंट नंबर को टाइप करना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है, आपका डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बहुत ही आसानी से घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट राशन कार्ड सभी ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।